ह्यूंडई पैलिसेड या फिर द 3-रो अपस्केल एसयूवी। तो इस गाड़ी का इंतजार इंडिया में कई महीने से हो रहा है और बाकी जो शायद इंतजार है मैंने शुरू किया था इस गाड़ी पे वीडियो बना के। और आज के एपिसोड में हम बात करते हैं 2021 वाली ह्यूंडई पैलिसेड के थोड़े बहुत बढ़िया वाले फीचर्स के बारे में जो कि आपने शायद किसी और गाड़ी में देखे हो जो कि कुछ ज़्यादा बढ़िया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहले इस गाड़ी में हमको बढ़िया वाला फीचर मिलता है वो इस गाड़ी के साइज़ में जो कि आपको कुछ ज़्यादा बड़ा मिलता है। और बावजूद कि इस गाड़ी की लेंथ 4.9 मीटर्स की है, इस गाड़ी में आपको 2000 किलो का वजन मिलता है। तो जो बॉडी है काफ़ी ऐसे बढ़िया सी बनाई है ह्यूंडई ने जो कि भारी भी नहीं है और बाकी स्ट्रॉन्ग भी है। तो इसमें आपको जो स्पेस है उसका रियल जलवा दिखता है इस गाड़ी के इंटीरियर में, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा बड़ी स्पेस मिलती है। और जो स्पेस है इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जो फर्स्ट रो ऑफ सीट और बाकी थर्ड रो ऑफ सीट है उनके बीच में आपको एक स्पीकर मिलता है, जिससे अगर जो फर्स्ट रो ऑफ सीट पे बैठे हुए बंदे हैं उन्हें पीछे अपने थर्ड रो ऑफ सीट पे बैठे हुए बच्चों से बात करना है तो स्पीकर से बात कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इतनी दूर आवाज़ ना जाए, तो इससे आपको साइज़ का पता चल जाएगा। और अगर आप इस गाड़ी की थर्ड रो सीट को और बाकी सेकंड रो सीट को फोल्ड करते हैं तो आपको 2400 लीटर की स्पेस मिलती है इसके अंदर सामान रखने की। और अगर आपको इसमें सोना आप सो सकते हैं जैसे ये वाले भाई साहब सो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप अपनी गाड़ी में क्यों सोएंगे, अगर आप बेघर हो जाएंगे अपनी ह्यूंडई पैलिसेड लेके तब सोएंगे। तो ये इस गाड़ी के स्पेस के बारे में जो कि कुछ ज़्यादा बड़ी है। जो सेकंड इस गाड़ी में आपको फीचर मिलता है वो इस गाड़ी की थर्ड रो सीट में जो कि कुछ ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें आपको इतनी बढ़िया स्पेस मिलती है कि एक नॉर्मल एसयूवी में आपको सामने की दो रो सीट में नहीं मिलती। तो इसमें अगर आपको थर्ड रो सीट में इसे बड़े बड़े बंदों को बिठाना बिठा सकते हैं टांगी चौड़ी करा के, और बाकी अगर आपको बच्चों को बिठाना है वो तो 5-7 आ जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको इस गाड़ी की थर्ड रो सीट में जाना है तो उसमें आप एक बटन दबा के जा सकते हैं जो कि आपको सेकंड रो सीट में मिलता है, जो कि काफ़ी सहूलियत वाली बात है। और आपको ऐसे कोई भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है जैसे कि आपको फॉर्चूनर में या फिर आपको एंडेवर में करनी पड़ती है, जिसमें आपको सीट ऐसे खोलनी पड़ेगी फिर उठानी पड़ेगी फिर रखनी पड़ेगी, तो इसमें बटन से सारे काम हो जाते हैं। इसमें आपको थर्ड रो सीट में आपको सेपरेट चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, आपको सेपरेट एसी वेंट्स मिलते हैं, आपको सेपरेट कप होल्डर्स मिलते हैं, और साथ ही में आपको सेपरेट स्क्रीनें मिलती है। तो अगर आपको पीछे बैठ के डोरीमोन देखना है या फिर अगर आपको कारवासल की वीडियोस देखनी है आप देख सकते हैं, और ये आपको इसी गाड़ी में मिलता है। जोगला या फिर थर्ड इस गाड़ी में आपको फीचर मिलता है वो इस गाड़ी के एस्ट्रैक वाले सिस्टम में या फिर इस गाड़ी की गियर नॉब में, जिसमें आपको गियर नॉब मिलता ही नहीं है कोई, आपको PRNDS वाले बटन मिलते हैं जिसमें अगर आप पी पे दबाएंगे तो आपकी गाड़ी पार्किंग पे चल जाएगी, अगर आप एन पे दबाएंगे तो न्यूट्रल पे आ जाएगी, जो कि बहुत ही एडवांस है और इसी गाड़ी में आपको मिलता है इस वाले दाम में। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको एस्ट्रैक सिस्टम मिलता है जिसकी फुल फॉर्म कुछ ह्यूंडई टेरेन रिस्पॉन्स एक्टिव कंट्रोल कुछ ऐसा होता है, जिससे इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही ऐसे सेंसर मिलता है साइंटिफिक से, जिससे गाड़ी में आपको बहुत ही तगड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती है और आपको 6 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, क्योंकि अभी तक फिलहाल तो ह्यूंडई की एकदम बकवास गाड़ी रही है ऑफ रोडिंग में, तो इसलिए ह्यूंडई की दिल पे दर्द हुई और उन्होंने ये वाला सिस्टम डेवलप करा है ताकि अगर आपको अपनी गाड़ी को ऑफ रोडिंग पे लेके जाना आप लेके जा सकते हैं और ऐसे आपको कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। फोर्थ इस गाड़ी में आपको गुब्बारे मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, जिसका मतलब है कि इस गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन मिलती है, जिसमें इस गाड़ी के बॉडी के बीच में और बाकी आपकी गाड़ी के पहिए के बीच में आपको गुब्बारे मिलते हैं, जिससे गाड़ी अपना ऊपर होती है और बाकी नीचे होती है और आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड मिलती है। और इंडिया में फिलहाल तो किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलता, लेकिन इसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाले हैं, ऐसा आपको लगेगा कि आप गुब्बारों पर ऐसे घूम रहे हैं। अगला इस गाड़ी में आपको बहुत ही बड़े बड़े नंबर मिलते हैं जो कि आपने शायद किसी और गाड़ी में सुने हो इस वाले दाम में। तो इस गाड़ी में आपको 16 कप होल्डर्स मिलते हैं और आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। तो अगर आपको इस गाड़ी के अंदर पूरा ऐसे जश्न मनाना है बोतलों का या फिर वाइन का या फिर जूस का, आप मना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। अगला इस गाड़ी में आपको 60 डिफरेंट चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, तो अगर आपको इस गाड़ी में 60 डिफरेंट डिवाइस को चार्जिंग पे लगाना है आप लगा सकते हैं। और साथ ही में आपको एसी आउटलेट वाला पोर्ट मिलता है, तो अगर आपको अपनी घर की मिक्सी लगानी है और बाकी चटनी बनानी है इस गाड़ी के अंदर आप बना सकते हैं और आपको बहुत ही मजे आने वाले हैं। अगला इस गाड़ी में आपको 10 से भी ज़्यादा आपको एसी वेंट्स मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि मैंने गिने थे बैठ के इसकी वीडियो देख के, जिसमें अगर आपको ऐसे कुल्लू मनाली बनाना है अपनी गाड़ी को बना सकते हैं। और जो पीछे वाले एसी वेंट्स हैं उनमें आपको सेपरेट जो एसी का आउटलेट है वो आपको मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले की हवा पीछे जा रही है, आपको सेपरेट मिलता है जिससे जो हवा एकदम ऐसे बढ़िया वाली रहती है। और इस गाड़ी में आपको 150 डिफरेंट बटन मिलते हैं इस गाड़ी के पूरे इंटीरियर में, इसकी सीट से लेके इस गाड़ी के डैशबोर्ड से लेके इसकी साइडों वाले दरवाजों से लेके हर जगह पे। तो मैंने बैठ के गिने तो उस वाली बात पे एक लाइक बनता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करी है और वो भी थोड़ी काउंटिंग आगे पीछे हो गई। और जैसे कि एक नॉर्मल गाड़ी में आपको एक सनरूफ मिलती है या फिर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट सनरूफ मिलती है। तो अगर आपको ऐसे चौड़ा होना है कि लैंड रोवर डिस्कवरी वाले मजे लेने अगर आपको अपनी गाड़ी में, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। फिर इस गाड़ी में हमको जो अगला फीचर मिलता है काफ़ी जरूरी है, अगर आपके पास एक कुत्ता है या फिर अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है जैसे बोलना नहीं आता और कुत्ते को तो ऑब्वियसली नहीं आता, तो इस गाड़ी में हमको यूवी सेंसर मिलता है इस गाड़ी की सेकंड रो सीट में और थर्ड रो सीट में, जिसमें अगर कोई बच्चा या फिर कुत्ता इस गाड़ी में पड़ा रहता था और बाकी अगर आप लॉक करके अपनी गाड़ी को ऐसे घूमने चल जाते हैं तो आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अपने कुत्ते को या फिर बच्चे को लेके जाओ, क्या कर रहे हो बेवकूफ बच्चों के क्या, और ऐसे आपका कुत्ता या फिर बच्चा रोएगा नहीं और आराम से आपके साथ घूमेगा। जोगला इस गाड़ी में आपको फीचर मिलता है या फिर आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो इस गाड़ी की कैलीग्राफी वाली स्पेसिफिकेशन, जिसमें आपको बहुत ही ऐसे बड़े बड़े 20 इंच के आपको प्लैटिनम वाले व्हील्स मिलते हैं, आपको सामने बहुत ही बड़ी ग्रिल मिलती है और आपको ऐसे बम्पर वगैरह में सारे क्रोम मिलते हैं, जिससे आपको ऐसे पूरे राजा वाली फीलिंग आने वाली है और ऐसे आप ब्लिंग ब्लिंग कर सकते हैं हनी सिंह की तरह, ऐसे पता नहीं क्यों करेंगे आप। और इंटीरियर में इस वाली स्पेसिफिकेशन में आपको नापा लेदर की आपको सीट्स मिलती है और आपको हार्मन एंड कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया वाली साउंड प्रोड्यूस करता है।
और ऐसे ऑडी वगैरह में आता है इस गाड़ी में आपको मिलता है। तो अगर आपको गाने भी बढ़िया सुनने हैं, अगर आपको ब्लिंग ब्लिंग करना है, आप कर सकते हैं इस गाड़ी में कैलीग्राफी वाला वर्जन लेके। लेकिन उसके लिए आपको 3-4 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि इंडियंस प्रेफर नहीं करते। जो लॉन्च है इस गाड़ी का, कहा जा रहा है कि इंडिया में होगा, लेकिन जो लॉन्च डेट है पता नहीं कब की होगी, क्योंकि हुंडई कह रहे हैं कि 2020 एंड में, 2021 स्टार्टिंग में, 2021 के एंड में कब होगा, लेकिन होना तो चाहिए क्योंकि इंडिया में इस गाड़ी की डिमांड है। और एम जी ग्लॉसेस तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है उस वाले दाम में। और जो दाम है इस गाड़ी का अमेरिका में वो है 27 लाख रुपए से लेकर 33 लाख रुपए का, तो कुछ ज़्यादा ही कम है। तो इंडिया में अगर इस गाड़ी की स्टार्टिंग में 35 लाख रुपए एक शोरूम की होती है, तो मैं मानता हूँ कि टोटली वैल्यू फॉर मनी है। और बाकी 50 लाख में भी जाती है तब भी एकदम बेस्ट है, क्योंकि 50 लाख के दाम में भी इस गाड़ी में आपको 1 करोड़ के एसयूवी वाले फीचर मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बुराई है इस गाड़ी को लेने में 50 लाख के दाम में। तो बाकी फिर आप कमेंट्स में लिख के बताया कि आपको 2020 वाली हुंडई पैलिसेड एक बढ़िया गाड़ी लग रही है, और क्या आप इस गाड़ी को 50 लाख के दाम में इंडिया में खरीदना पसंद करेंगे। और जो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वाले बटन आपको दबा देने, क्योंकि अगर आप दबाएंगे तो इस गाड़ी का लॉन्च इंडिया में थोड़ा जल्दी हो जाए और बाकी हमारी ग्रोथ होगी बहुत ही ऐसे एक्सपोनेंशियल सी, और कारवर्सल दुनिया का सबसे बड़ा या फिर पूरी यूनिवर्स का सबसे बड़ा कार चैनल बन जाएगा। और बहुत ही शुक्रिया आपको ये वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।